दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एमपी में अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपको काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम पर आप लोग टाइप करेंगे eprovesh.mponline.gov.in को सर्च कर देंगे। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये आपका होम पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का पूरा पोर्टल ये है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये होम पेज है जिसमें आपको सबसे पहले देख सकते हैं प्रवेश हेतु पंजीयन करना होगा, फिर आवश्यक यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि 10th 12th की मार्कशीट होगी, साथ ही साथ आपके जो आय के प्रमाण पत्र होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको अपने कॉलेज को चूज करना होगा, कॉलेज का कोड डालना होगा, कॉलेज का कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यानी आप 10th 12th पास हैं या फिर फेल हैं इसकी पूरी जानकारी पुष्टि की जाएगी। आपके माता पिता के नाम का मैच किया जाएगा। फिर मेरिट की सूची का यहाँ पर मेरिट की सूची बनेगी। मेरिट सूची बनने के बाद आपको एक आवंटन पत्र जारी किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट लेटर, जिसके आधार पर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, उसी रसीद के आधार पर आपका प्रवेश मान्य किया जाएगा। ये तो मान लीजिए एक सिंपल सी प्रोसेस हो गई। आप समझिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन मान लीजिए अगर आप यूजी के लिए करना चाहते हैं तो यूजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यूजी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यूजी वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। यूजी वाले ऑप्शन में अभी मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि अभी आपको यहां पर नीचे आना होगा, यस करेंगे, इसके बाद आई एग्री करेंगे। तो यहां देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशंस के बारे में, जो 1 अगस्त से चालू होगा यानी कल से, उसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको कल देखने को मिलेगी। अभी आप यहां पर कुछ चीजें देख सकते हैं जैसे नो योर एप्लीकेशन आईडी, फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड, ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस, चेंज पासवर्ड और क्रिएट पासवर्ड, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर आपको ऑनलाइन एडमिशन वाले ऑप्शन पर यहाँ देख सकते हैं आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि आपको कल देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको रात के 12 बजे में भी ये ऑप्शन शो होने लगेंगे। जैसे ऑप्शन शो हो जाएंगे तो मैं इसके बाद भी आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एडमिशन करना है और किस तरह से आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगा कैसे आपको फीस पेमेंट करनी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये तो आपका हो गया कि एडमिशन की प्रोसेस क्या क्या हो गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें अगर मान लीजिए एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा कोर्स सही है, उस कॉलेज में क्या क्या सीटें रहेंगी। तो सबसे पहले आपको कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। ये कॉलेज हेल्प सेंटर वाला ऑप्शन आप जिसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहां पर मेरा ये माउस रखा हुआ है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ये डैशबोर्ड बोला ऑप्शन पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए बरकतुल्ला से पढ़ना चाहता हूँ कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, या फिर आप जैसे ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करिए यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंपली मैं मान लीजिए यहाँ पर बरकतुल्ला सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको सिंपल क्या करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना। जैसे डिस्ट्रिक्ट मेरे यहाँ पर क्या है, भोपाल है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप कॉलेज कौन से चूज करना चाहते हैं, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज, या फिर दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे ऑल कॉलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप उसको सिंपल क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेंगे और इसको फिर इसके बाद आपको प्रेस कर देना होगा। चलिए इसको प्रेस कर देंगे, तो जैसे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर पूरे कॉलेज शो हो जाएंगे। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक की कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जो की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। उन सारे कॉलेजों के नाम लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप सिंपली उसका कोड नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये कोड दिखाया जा रहा है जिसे 2801 का है,
गवर्नमेंट मतलब कि आदर्श मोतीलाल विज्ञान जो यहाँ पर कॉलेज है उसका ये कॉलेज का कोर्स है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं इस कॉलेज में, तो ये भी आप बड़ी आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं MBM में एडमिशन लेता हूँ और मुझे चेक करना है कि MBM में कौन कौन से कोर्स इस समय चल रहे हैं, तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं MBM में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो कर जाएगा कि यहाँ पर अभी 30 को जो तो कोर्स अवेलेबल है UG और PG को मिला के, ठीक है। यहाँ पर 13 जो है तो देखने मिलेंगे, 30 जो यहाँ पर कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से 30 कोर्सेज चेक कर पाएंगे कि BSc है, BCom है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये कि आप किस तरह से अपना कॉलेज चूज कर पाओगे यूनिवर्सिटी के आधार पर, ठीक है, या फिर कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट के आधार पर अपना कॉलेज देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जैसे मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं UG में है तो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, ऐसा चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप 12th क्लास पास करके जा रहे हैं तो आपके 12th क्लास के आधार पर कौन कौन से यहाँ पर हो सकता है, तो जैसे आप मान लीजिए एग्रीकल्चर से पास आउट है तो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो और इसके बाद इस ऑप्शन को फिल कर दो, ठीक है। तो चलिए इसको फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज होंगे और कॉलेज के साथ ब्रांचेस यहाँ पर दिख जाएंगी, उसके कोड दिख जाएंगे, साथ ही साथ ये कोर्स कितने सालों का होगा, यानी 36 महीने का होगा कि 12 महीने का होगा कि 18 महीने का होगा, उस कोर्स की ड्यूरेशन भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, BA अगर आप सोशल साइंस से करना चाहते हो तो ये 3 साल का पूरा आपको कोर्स रहेगा, ठीक है। BA सोशल साइंस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर BSc बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की अगर बात करो आप लोग, जैसे ये चेक कर सकते हो, तो ये भी 3 साल का पूरा कोर्स रहेगा, ठीक है। BSc केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी से करना चाहोगे तो ये भी पूरा 3 साल का आपका कोर्स रहेगा। ये व्यू कॉलेज डिटेल में आप ये चेक कर सकते हो कि ये कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेज, जैसे आपका मन पसंदीदा मान लीजिए कोई कोर्स है, जैसे आप कोई सोशल वर्क का काम करना चाहते हो जैसे, तो सोशल वर्क सभी कॉलेज में तो अवेलेबल नहीं होता, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना कोर्स ढूंढेंगे, कोर्स ढूंढने के बाद यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, उसी के बाजू में आपको कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो देखते समय आपको कहीं पर भी डाउट आता है कॉलेज ढूंढने में या एलिजिबिलिटी चेक करने में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके पूरी जानकारी अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, तो वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये तो आपको पास जानकारी मिल गई कि आपको एलिजिबिलिटी मिल गई। आप एडमिशन्स कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो एडमिशन्स कोर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास UG का कोर्स है, PG का कोर्स है, 1 स्टेप UG है और 1 स्टेप PG भी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम UG और PG पे बात करेंगे, तो UG में आ जाते हैं। तो UG में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि UG में आपको कैसे आना, तो UG में अभी देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया भी नहीं चल रही, 1 अगस्त से चालू कर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से PG में भी ऑप्शन आपको शो करेगा, तो PG में भी आपको सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, PG में भी सेम ऑप्शन दिखाए गए हैं, ये भी आपको 1 अगस्त से ऑप्शन चालू कर दिए जाएंगे। अब पूरे मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं जो कि आपके हर अलग क्षेत्रों में है। अगर आप रीवा वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आप देश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी, अगर आप भोपाल के आसपास जिलों में रहते हैं तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, आप छतरपुर के आसपास हैं तो महाराज छत्रसाल बुंदेला, ये आपको यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया रहेगी। फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर के लिए, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के आसपास के लिए है, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के आसपास है, उज्जैन से 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर महर्षि पाणी संस्कृत ये वैदिक जो है, तो ये भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से आप उज्जैन, ये भी एक यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है। फिर एक छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है जो कि छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी, ये भी आप चेक कर पाए हैं। और लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कोर्स का, ये भी आपके लिए यहाँ से भी आप कोर्सेज को चेक कर पाओगे, साथ ही आप ये चेक कर पाओगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो अगर आप BSc करोगे तो BSc का जो फीस का लेवल आएगा, आप बड़ी आसानी से BSc का जो गवर्नमेंट की कॉलेज की फीस होगी, कम से कम आपको 20,000 से 25,000 के आसपास आपको टोटल फीस पड़ेगी 3 सालों में। वहीं अगर हम बात कर ले MSc में आप पहुंचोगे तो MSc का भी एवरेज मार्क्स इतना ही रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में 2 सालों में आपको पे करनी होगी, वहीं BSc में आपको 3 सालों में 20 से 25 लगना, तो MSc में आप जाओगे तो जनरल कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, अगर आप ST SC में जाओगे तो आपको कुछ कंपनसेशन क्या, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की मदद से आप बिल्कुल फ्री हो जाएगी आपकी पढ़ाई।
अगर आप STS UBC में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी 8 से 10 हज़ार के आसपास। तो आप बड़ी आसानी से जो भी आपकी पेमेंट होगी आप समझ लीजिए बड़ी आसानी से आपके पूरे 3 सालों की पढ़ाई हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ कोर्स की बात कर लें तो कोर्स में आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट भी एक अच्छा कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके पास ये अब जो कोर्सेस अवेलेबल हैं ये कौन कौन सी स्ट्रीम में अवेलेबल, जैसे आर्ट में है कि कॉमर्स में है, किस स्ट्रीम में है, कि जैसे मैं मान लीजिए